कोरोना काल में जिस तरह से इस वैश्य महामारी में इंसान को अपनी चपेट में ले रखा है, उसी तरह से इंसान ही इंसान को बीमारियों से जान बचाने में लगे हुए हैं, जिन्हें कोरोना योद्धाओं के नाम से जाना जा रहा है। इन कोरोना योद्धाओं में हमारे डॉक्टर, पुलिस, सेना के जवान, सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं का हौसला अफजाई करने के लिए भारतीय जनसेवा ट्रस्ट ने करामल नगर क्षेत्र में एक प्रोग्राम आयोजित कर इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया, जिसमें आरएएफ 103 बटालियन के कमांडेंट श्री पीके झोरी ने शिरकत की और सम्मानित करने वाली भारतीय जनसेवा ट्रस्ट का मनोबल बढ़ाया। भगवान के रूप होते हैं हमारे मेहमान, और खास तौर से वो रियल हीरो जो आप पर्दे में देखते हैं, लोगों को मारते हैं, बहुत से हीरो नहीं होते, वो एक्ट करते हैं, लेकिन जिनके वजह से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा भारत सुरक्षित रहता है, ऐसे रियल हीरोज के साथ सम्मानित करते हुए मैं संतोष चंद एक बार पुनः आप सभी मेहमानों का और सभी मंचा सिंह अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन। आप लोगों के साथ मैंने बीच में अपने सिविल एक्शन के कमरे बांटे थे, आप लोगों के काम के बारे में आपने मुझे बताया, तो इसमें दीपक देवाल जी और एक अपने गौतम देवाल जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इलाका बहुत आबादी से भरा हुआ है, हर तरह की जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, आप सब धर्म से ऊपर उठकर जो काम कर रहे हैं उसको जारी रखें, इलाके में शांति बनाए रखें, और जहाँ हमारा समर्थन की जरूरत होगी हम बिल्कुल के आपके लिए साथ खड़े हैं, खड़े रहें। हमारी संस्था भारतीय जनसेवा ट्रस्ट के चेयरमैन माता जी को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले, और हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट श्री पीके झोरी जी अधवानी भी जी आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है, और सेना के उन पदाधिकारी लोग जो हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारे देश की जो पहली सबसे पहली कमाने वाली सेना, जो हमारे देश की रक्षा के लिए हर समय 24 घंटे हमारे लिए कार्य करती है, इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हम तो अपने घरों में होते हैं, अभी पीछे लॉकडाउन में हम सोच रहे हैं कि हमें घरों में बंद कर दिया गया है, अरे जरा हमारी सेना के बारे में सोचो, हमारी पुलिस के बारे में सोचो, वो बॉर्डर पे वो कोरोना से भी लड़ रहे हैं, वो दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, और वो हमारी सेवा की रक्षा भी कर रहे हैं हमारी हर प्रकार से, तो इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। तो मैं अपनी पूरी सेना को, अपने भारत की सेना को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और जो आज गौतम भाई ने कार्यक्रम किया इसके लिए ये भी साधुवाद के बहुत साधुवाद देता हूँ गौतम भाई को, और दीपक भाई को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज उन्होंने कार्यक्रम किया, हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। देखिए आरएएफ जो है हमारी रैपिड एक्शन फोर्स है, ये अपना रॉइड्स और रॉइड्स के लिए रेज की गई थी, और ये मिनिमम फोर्स और लेस लीथल वेपन के साथ एक्शन करती है, जो हमने किया भी था, और उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ और नेचुरल कलामिटी भी हमें काम करती है, संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने से हम समाज के ज्यादा नजदीक जाते हैं, उनके अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और समाज में यह संदेश भी दिया कि समाज में अभी ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से गरीब बेसहारा लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो समाज में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।